अंकल आपका नाम बताइए। रमेश शर्मा। आपकी एज? मेरी एज अभी 78 चल रही है। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जी, रेस्ट कर रहा हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ जी। कहाँ से रिटायर्ड हैं आप? पहले तो क्या है, अपने बिरला कंसर्न में वनस्पति प्लांट में सर्विस थी जी, वहाँ से छोड़ के फिर अपना कुछ बिजनेस किया। उसके बाद हार्ट अटैक हुआ 2002 में, उसके बाद से टोटली सब चीज़ बंद करके आराम से रह रहा हूँ। आपको कब से समस्या है जोड़ों के दर्द की? जोड़ों के दर्द की समस्या मेरे को हो गई आज 15 साल हो गए मेरे को। क्या आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई? हाँ, नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई थी। मेरे एक हार्ट का डॉक्टर जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऑपरेशन नहीं करवाए बिल्कुल से, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था। सहज थेरेपी के पहले आप क्या क्या काम नहीं कर पाते थे जो आज कर पा रहे हैं? मैं देखिए, मेरा जो इस थेरेपी के पहले मेरे को चलने में जो प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम अब धीरे, मतलब बहुत ही कम जो है कि विदाउट सपोर्ट मैं चल रहा हूँ घर के अंदर ही, बाहर चलना नहीं होता है घर के अंदर। मेरा 20 दिसंबर को हुआ था कि विदाउट सपोर्ट पैर जब वो चलते के वॉकर लेके चलना, स्टिक लेके चलना, वो चीज़ अब नहीं होती है घर के अंदर, बिना उसके चल सकता हूँ। अब आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। जी बिल्कुल सही। आपका सहज हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए साहब, यहाँ के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो कहूँगा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ का पूरा स्टाफ जो है बहुत ही अच्छे नेचर का है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। इससे तो मैं उस टाइम में जब फर्स्ट जब आया था और 3 दिन यहाँ रुका था, उस टाइम में देखा था पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे जोड़ों के दर्द के मरीजों को? मैं तो यही कहूँगा भाई कि ट्राई करना चाहिए जरूर से, और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, यानी इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट तो कुछ है भी नहीं बिल्कुल से आपको, लेकिन रिलीफ होगा निश्चित रूप से, यानी जोड़ों को जिसके दर्द हो उसको निश्चित रूप से, बजाय आपके नहीं ट्रांसप्लांट कराने के, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, जैसे मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरे डॉक्टर डॉक्टर एम के शर्मा है, उन्होंने ही सलाह दी कि नहीं, आप इस थेरेपी को करवाइए। उन्होंने इसका रिप्लेसमेंट टोटली के लिए, ऑपरेशन तो मैं आपका करूँगा नहीं। अब मेरे को अपने इसकी प्रॉब्लम थी उसकी, तो अभी फिलहाल में ये है कि मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ पकड़ मेरी उंगलियों की बन रही है। पहले जो एकदम से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसमें अब थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। आपको 2002 में हार्ट अटैक भी आया है? जनवरी 2002 में मेरे को अटैक आया था जी, लेकिन उसका कोई बाईपास नहीं हुई थी। सिर्फ जब से डॉक्टर एम के शर्मा का, सिर्फ मेडिसिन से ही मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो आपके कोई भी चीराफाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ कुछ थेरेपी में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल। सिर्फ यहाँ से उन्होंने साइड से 2 जगह से निकाला, क्या जो ब्लड हो या जो कुछ भी हो, हाँ, उसको निकाला है। उसके बाद उसको स्टरलाइज जो कुछ भी करते हो, फिर उसके बाद नी में ट्रांसप्लांट किया और यहाँ किया, तो मालूम नहीं। मैं तो यही देना चाहूँगा कि भाई निश्चित रूप से आप लोगों को करना चाहिए इस बारे में, ये बहुत अच्छी थेरेपी है, बिना किसी उस चीज़ के होती है, करने में कोई नुकसान नहीं हुई। जोड़ नहीं, सोच बदलो सहज थेरेपी से जी। थैंक यू।